मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास ब्लॉग। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह रेडी होके, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे रांदल माँ का जगराता होता है, रात को जागरण होता है, बट सुबह से ही सब लोग वहाँ पे प्रसादी के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग भी सेलिंग के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो आज जहाँ पे सेलिंग होता है वहाँ पे सब तैयारियां भी हो गई है और हम लोग जा रहे हैं रांदल माँ के टेम्पल पे। सब जगह पे थोड़े थोड़े जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ रांदल माँ के टेम्पल पे वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और माता जी का आशीर्वाद लेके वापस घर पे आएंगे। बट आप देखिए, मैंने न्यू लुक में न्यू साड़ी पहनी है, सो कैसी लग रही है प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है न्यू साड़ी। अभी फटाफट से चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले प्रसाद ले लिया वहां से और अभी चलती हूँ मैं सीधा यहाँ पे। सबसे पहले जहाँ पे हम रांदल माँ के टेम्पल पे जाते हैं, जहाँ पे सूर्य नारायण भगवान के साथ ही रांदल माँ है, तो वहाँ पे चलते हैं एंड माता रानी को प्रसाद अर्पण करते हैं और दर्शन करते हैं। रात को गरबा खेलते हैं तो अभी कोई नहीं है, एकदम से शांति है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और डेकोरेशन वगैरह भी किया गया है। देखिए मंडप बंधे हैं, लाइट है साथ में। चलिए मॉर्निंग में आने का ना यही फायदा होता है कि ज्यादा रश नहीं होता, तो शांति से दर्शन होते हैं और शांति से पूजा होती है। फिर शाम के टाइम को तो इतनी लंबी लंबी लाइनें हो जाती है हर एक टेम्पल में, तो बहुत ज्यादा ही। अभी हम लोग बड़े रांदल माँ के टेम्पल पे जाएंगे बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, सो मैं बाहर से आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। बड़े रांदल माँ के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे अभी भी इतनी सुबह सुबह भी ना, वो थोड़ी बहुत तो लाइन थी तो लाइन में लगना पड़ा। यहाँ पे ये रूल अच्छा है, देखिए दोगी, देखिए दोगी कि यहाँ पे लाइन में लग के ही शांति से दर्शन कर, शांति से दर्शन हो जाते हैं, वो अच्छी बात है। और ये ना सबसे बड़ा टेम्पल है हमारे यहाँ का, बड़ा रांदल माँ का। चलिए वो आगे डिटेल दूंगी, अभी पहले चलते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दूसरे रांदल माँ के टेम्पल पे आ गए हैं, सो चलते हैं अंदर, माता जी के आशीर्वाद लेते हैं, प्रसादी अर्पण करते हैं। चलिए विश्व विनोदिनी नंदनुते देवी वरविंद्य श्री गुरु।
यहाँ पे रांदल माँ के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं हम लोग वॉक करके दूसरे रांदल माँ के टेम्पल पे और वहाँ पे भी माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और मॉर्निंग में ना तो साथ साथ में माता जी के दर्शन भी हो रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं और थोड़ा वॉक भी हो रहा है। और सुबह के टाइम को आएंगे ना तो ही रश नहीं होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना वैसे वैसे रश भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जो हमारे घर के पास रांदल माँ का टेम्पल है ना वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं रांदल माँ के। और ये डोगी ना आज सुबह से परेशान कर रहे हैं डोगी, क्योंकि बेचारों को भूख लगी होगी मॉर्निंग में। रांदल माँ के दर्शन हो गए हैं और मैं बोलती ही रहती हूँ कि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब भी आते हैं ना तो ऐसा ही लगता है बस रांदल माँ के सामने ही बैठे रहे और दर्शन करते रहे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो माता रानी के दर्शन भी कर लिए, आशीर्वाद भी ले लिया है। चलिए तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग दूसरी जगह पे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे हमारी कुलदेवी माँ वैरावी माँ के टेम्पल पे, सो चलिए दर्शन करते हैं माता रानी के। मॉर्निंग में हमारी कुलदेवी माँ वेरावड़ी माँ के भी दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे भी प्रसाद अर्पण कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ से और देखिए मॉर्निंग में भी यहाँ पे बाहर गरबा स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पास में भी रांदल माँ का टेम्पल है ना, इसलिए चलिए अभी चलते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं दूसरी जगह? जहाँ पे जाना आज हेमल आज मैं लेके जा रही हूँ, कहा लोग यहाँ जाते हैं। चलिए अभी सीधा पहुंच गई हूं मैं यहां पे हमारे घर के पास ना विघ्नेश्वरी माँ का टेम्पल है, जो मैं हमारी बालकनी में से दिखाती हूं ना डेकोरेशन वगैरह, वही स्ट्रीट में है विघ्नेश्वरी माँ का टेम्पल और बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रीट में ही है। छोटा सा है बट हम माँ को बहुत ज्यादा ही मानते हैं। सो विघ्नेश्वरी माँ को प्रसाद अर्पण कर देती हूँ। चलिए विघ्नेश्वरी माँ के दर्शन कर लिए हैं, अब हमारे घर की उस वाले स्ट्रीट में ना सती माँ का टेम्पल है, सो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे भी माता रानी को प्रसाद अर्पण कर देते हैं। और हमारा जो घर है ना उसके दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में दोनों स्ट्रीट है ना, वहाँ पे माता रानी का टेम्पल है विघ्नेश्वरी माँ और सती माँ, सो दोनों के आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे टेम्पल है, आगे जाके रांदल माँ का है, पीछे सूर्य नारायण भगवान का है, हनुमान दादा का है, बहुत सारे टेम्पल है हमारे घर के पास। हमारा घर ना पूरा टेम्पल के वो चारों तरफ टेम्पल है और बीच में हमारा घर है। पहुंच गई हूँ मैं वापस से घर पे, क्योंकि लास्ट में मैं हमारे घर के पास जो दो टेम्पल है ना वहीं पे गई थी और हेमल मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे ना प्रसादी जो इतनी सारी बनाई थी ना उसका सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हेमल वहाँ पे गए हैं। और जल्दी जल्दी से मॉर्निंग में रेडी होके गई थी, क्योंकि इतने सारे टेम्पल पे जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट टाइम का पता ही नहीं चलता है कहाँ पे
टाइम चला जाता है। हम लोग 7 बजे से गए थे, 10:15 हुई, पर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मॉर्निंग में सारे टेम्पल पे जाके और इतनी सारी माता रानी के एक साथ में दर्शन किए ना, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। बट अभी बेडरूम का हाल तो देखने जैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बिखेरा ही बिखेरा है। अब इन सबको अच्छी तरह से समेटना है, क्योंकि फटाफट से रेडी होकर हम लोग गए थे। कल भी लेट को ही सोए थे, कोई 3-3:30 बजे, फिर फटाफट से सुबह 5:30 बजे जगी। सिर्फ 2 घंटे ही नींद हुई है, और आज तो माता जी का जागरण होता है, सो आज रात को भी सब लोग गरबा खेलते हैं। पर वहां पे ना ज्यादातर कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, देखेंगे अभी तो, वो तो सब रात को है। अभी तो फिलहाल घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ, बट मॉर्निंग में माता रानी के टेम्पल पे जाके बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। इतना सारा काम होता है ना कि कहाँ पे टाइम जाता है ना पता ही नहीं चलता है। सारा बेडरूम अच्छी तरह से क्लीन किया, सारे कपड़े फोल्ड करके अच्छी तरह से रखे, और इतने दिनों से जो पहन रहे थे ना उसे वॉश करने के लिए भिजवाया, और फिर खाना बनाया, सारा काम फिनिश किया ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और हाँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर में रेस्ट कर गई थी, क्योंकि कल रात को बिल्कुल नींद नहीं हुई थी, इसलिए मैं सो गई थी। कोई 3 बजे मैं सोई, उसके बाद अभी 6 बज गए, 2 घंटे की मैंने अच्छी तरह से नींद ले ली है, क्योंकि आज रात को फिर जगना है ना, इसलिए मैं सो गई थी दोपहर को। और हेमल तो घर पे आया ही नहीं है, वो तो हमारा जहाँ पे वो सेलिंग होता है थेपले का वहीं पे है। हेमल वैसे लंच करने आए थे, उसके बाद तुरंत वापस खाना खाने के बाद चले गए थे। और अभी हो गई है बहुत अच्छी इवनिंग, 6:05 का टाइम हो गया है। सो चलिए, ये व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड नेक्स्ट व्लॉग अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो माता रानी का जागरण है, रांडलमा का। हमारे यहाँ पे जागरण कहते हैं, जगराता है माता रानी का। सो सब लोग रात को गरबा खेलेंगे, और आज लास्ट डे होता है, कल ना माता जी का विसर्जन हो जाता है। तो कहते हैं ना, नवरात्र फिनिश भी हो गए रांडलमा के। वैसे चैत्र नवरात्रि जो होते हैं वो तो स्टार्ट ही है, बट रांडलमा का नवरात्रि का कल लास्ट डे है। पता ही नहीं चला कि इतने दिन कहाँ पे चले गए, बट आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा दिन होता है। सब लोग अभी भी प्रसादी चढ़ाने के लिए माता जी को जाते हैं, सुबह से मॉर्निंग से लेकर ना रात तक ये प्रोसेस स्टार्ट ही रहती है। सो चलिए, हम भी जाएंगे रात को गरबा देखने के लिए, वो सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know.